स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। आज मौजूद हैं हम कोटा के होटल में जिसका नाम है फाइव फ्लावर्स। वहाँ पे राजस्थान जिम्नास्टिक एसोसिएशन का चुनाव हुआ है जिसके नव निर्वाचित अध्यक्ष चैन सिंह राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। थैंक यू। इतना बड़ा पद मिलने पर क्या कहना चाहिए? देखो, आज पूरे राजस्थान के जिम्नास्टिक के पूरे प्रेसिडेंट जी, और आज ये 5 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर चुनाव अधिकारी की वोटिंग लिस्ट का चस्बा वगैरह वगैरह आज जो संपन्न हुआ है, पहले तो मैं पूरे इनको बधाई देना चाहता हूँ कि पूरी टीम निर्विरोध जो बनना और निर्विरोध जो अध्यक्ष का मुझे दायित्व दिया, मैं इनका पूरे राजस्थान के प्रेसिडेंटों का आभारी हूँ। और जिस प्रकार से आज निर्विरोध संपन्न चुनाव हुए हैं उससे मुझे एक बल मिला है और ये भी एक देखने को मिला है कि इसको संघ को आगे चलाने में सबका सहयोग बराबर रहेगा जी। सर किस तरीके से आगे ले जाना चाहेंगे अब इस खेल को युवाओं के बीच में? देखिए, ये जो जिम्नास्टिक है ये सब खेलों की जननी है। सबसे पहले खेल जिम्नास्टिक था, जितने भी खेल निकले हैं इसमें से निकले हैं, लेकिन मात्र इस जिम्नास्टिक का इक्विपमेंट जो आते हैं खेलने के लिए बच्चों के लिए, वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं और वो हमारे राजस्थान में कुछ जिलों में हैं, इसलिए सब जिलों की टीम नहीं बन पाती है और उसके बच्चे उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अब हम जो है ये अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद मेरा ये रहेगा कि पूरे राजस्थान में जिले वाइज सारे जो है वहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट की व्यवस्था की जाए, जगह की व्यवस्था की जाए, उनका ग्राउंड वगैरह तो हमारे पास सब रहता है जब तक नहीं होगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि बच्चों के खेलने के लिए इक्विपमेंट की व्यवस्था हर जिले में हम करेंगे। सर आपने कहा कि ये खेल सभी खेलों की जननी है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि आज वर्तमान में जो क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेल हैं उन्होंने और उनकी लोकप्रियता ने इस खेल को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है? उसका क्या है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको पहले निवेदन किया कि इसमें जो हमारे इक्विपमेंट आते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं और इक्विपमेंट की वजह से हमारे जो है पूरे स्टूडेंटों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन वो खेल है और उनका एक अलग रुझान है, उसका भी लोगों का वो है, लेकिन हमारे जिम्नास्टिक से जो स्टूडेंट निकला हुआ है उसको डायरेक्ट आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ले लो, हर जगह उसको जो है प्रायोरिटी मिलती है और उसको प्रमोशन मिलता है, इसका लाभ मिलता है, क्योंकि ये एक जिम्नास्टिक का पूरा जो प्रोसीजर है वो छोटी उम्र में स्टूडेंट की लाइफ से चालू होता है और उसको आगे वो अपनी स्टूडेंट एजुकेशन प्राप्त करेगा तो उसको सर्विस में हर जगह उसको प्रायोरिटी मिलती है, बहुत लाभ मिलते हैं। बहुत से अधिकारी हैं वो कह रहे हैं मैं जन्माष्टमी आया हूँ और मेरे को ये, मैं थानेदार था, मैं सीआई बन गया, मैं सीआई था, मैं डिप्टी बन गया, मैं डिप्टी था, मैं एडिशनल एसी बन गया, जो हमारा इसका जो सर्टिफिकेट है और जो इसका अनुभवी है उनको बिल्कुल गवर्नमेंट भी लाभ देती है, उसको लाभ मिलता है। जिले स्तर पर कैसा काम करेंगे सर इस खेल के प्रति भावना बढ़ाने और युवाओं को इससे जोड़ने के लिए, क्योंकि आप पूरे राजस्थान के प्रेसिडेंट हो गए हैं, आप 33 जिले आपके अंडर में, तो जिलों पे कैसी कार्रवाई होगी? जिलों पे पहले मैंने निवेदन किया, कोटा जिले की बात बता रहा हूँ। कोटा जिले के अंदर हमने पहले चैम्पियनशिप करी पूरी हमने स्टेट की, तो उसमें काफ़ी 10-12 स्टेट यहाँ खेलने के लिए आए थे बच्चे और हमने इक्विपमेंट भी नहीं था, तो हमने बाहर भरतपुर से, बीकानेर से, भीलवाड़ा से हमने मंगवाए और हमने यहाँ पर आरकेपुरम स्टेडियम में टूर्नामेंट किया, उसमें सारे सांसद विधायक को हमने चीफ गेस्ट बनाया और भी हमारे अधिकारी जो यहाँ के जो SP थे ग्वाला जी, सवाई सिंह जी ग्वाला गोदारा जी, वो भी पधारे क्योंकि वो भी जिम्नास्टिस्ट थे। इस प्रकार से हमारा ये था कि भाई हम सबसे पहले जो है जगह की व्यवस्था करें, उसके बाद भवन बनाएं और हमने इसके इक्विपमेंट के लिए भी हमारी अलग अलग विधायकों से घोषणाएं करवाई हमने और अब हमारे को दायित्व मिला तो हम जल्दी जो है पूरे बच्चों के लिए जो है इक्विपमेंट की व्यवस्था यहाँ कोटा में करेंगे और बच्चों की टीम बना करके टीम भावना से और इस खेल को आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को लाभ देंगे। सरकार का सहयोग? सरकार का सहयोग पूरा जो है मिलेगा, हमें उम्मीद है और खेल में सरकार की हमेशा रुचि रही है, लेकिन क्या है कि हमारा जिम्नास्टिक का 5-6 साल से चुनाव नहीं हुए, प्रतिनिधि नहीं थे और प्रशासक जो थे हमारे जो है उन्होंने विशेष इसमें भाग नहीं लिया, इस वजह से जो है इसको रुचि नहीं हो पाई। अब पूरा जो है हमारी टीम बन गई है और सरकार से भी हम अपेक्षित हैं कि सरकार हमारा वो करेंगे। अभी इसके अध्यक्ष राजस्थान के निरंजन जी आर्य थे, मैं उनको भी जो है
धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 6 साल से उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन इतने प्रयास नहीं हुए जो हर जिले के अंदर होने चाहिए। अब पूरे जिले में प्रयास करेंगे। सर, एक तो अध्यक्ष बनना और ऊपर से निर्विरोध, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है आपके अंदर ऐसा होने पर? मैं बहुत अपने आप में इसका वो सबको मैं धन्यवाद के पात्र हूँ, और मैं ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं सबके सहयोग से, अभी मैंने सबसे कहा आप लोगों का मुझे सहयोग रहेगा तो मैं इसमें पूरी पात्रता से, मेरी ईमानदारी निष्ठा से, मैं इस खेल की भावना से इस खेल को आगे बढ़ाऊंगा। सर, एक आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को आप जिम्नास्टिक को लेकर क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे, युवाओं से? मेरा कहना यह है कि जिम्नास्टिक से जुड़ना चाहिए, और जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है कि शरीर से लेकर के आत्मा से लेकर के हर प्रकार से आदमी का एक बुद्धि प्रदान और शरीर की वर्जिश और जो है इसमें रुचि लेने वाले को फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अभी तक जो मेरे सामने जो सुनने को आया है, जो जिम्नास्टिक से जुड़े हुए हैं वो शुगर पेशेंट नहीं है, वो बीपी पेशेंट नहीं है, उनके किसी प्रकार की इस प्रकार की बीमारी नहीं है, क्योंकि वो बराबर ग्राउंड में जाते हैं और ग्राउंड में इसमें भाग लेते हैं, कोई खेलते हैं, कोई खिलाते हैं, लेकिन इससे जुड़ना चाहिए और जुड़ने से लाभ ही लाभ मिलेगा। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे चैन सिंह राठौर जी, जो राजस्थान जिम्नास्टिक एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि जिम्नास्टिक सभी खेलों की जननी है। आज हालांकि दूसरे खेलों की लोकप्रियता की वजह से इसे बुलाया जा रहा हो, लेकिन जिम्नास्टिक अगर आप रेगुलर खेलते हैं तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती एवं आप स्वस्थ रहते हैं। कोटा एवं राजस्थान में जिम्नास्टिक को एक नई दिशा देने के लिए चैन सिंह राठौर जी आज से ही प्रयत्नशील हो रहे हैं। धन्यवाद। राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश 22/2/2018 के द्वारा गठित तंत्रत समिति के माध्यम से कोटा इस चंबल की धरती पर पूरे राजस्थान के जिम्नास्टिक से जुड़े हुए पदाधिकारी जो यहाँ पर पधारे और कोऑपरेटिव एक्ट के अनुसार जो हेड ऑफ कमेटी बनी उसकी 26 तारीख को एक्स मीटिंग के बाद जैसलमेर में मीटिंग हुई, उसके बाद निर्णय हुआ कि कोटा में स्टेट के चुनाव संपन्न कराए जाए। उसके बाद चुनाव अधिकारी हमारा सर्वसहमति से नियुक्त किए, रविंद्र जी विजय एक्स क्रिमिनल जज रहे और अभी वो पारिवारिक प्रोग्राम था तो ये प्रेजेंट होना